तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली रिफॉर्म्स किए हैं और जिस तरीके से वहां गवर्नेंस हो रहा है, इसके कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जाहिर बात है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, और वहां डेवलपमेंट हो रहा है तो दुनिया सब मान रही है, ये उससे फलित हो रहा है। और मैं मानता हूं कि वेल गवर्नेंस यानी कि डेवलपमेंट के बारे में, सरकार चलाने के बारे में बीजेपी के मुख्यमंत्री उनको रिकॉग्नाइज मिला है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। अच्छा, कि ये 3 दिन के जो अनशन मोदी जी के द्वारा किए जाएंगे, तो 3 दिनों में खास क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, किस तरह से रहेगा? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वर्डिक्ट दिया है, और पिछले 10 साल से गुजरात को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए गुजरात विरोधी सभी लोग उसमें तुले हुए थे, और सीट द्वारा बहुत बारीकाई से जांच हुई है। 4,000 से ज्यादा शायदों को उन्होंने सुना है, और उसके बाद सीट ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि उसमें कुछ करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी का हाथ नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसके बाद ये स्थिति निर्माण हुई है, तो मोदी जी को लगता है कि गुजरात में शांति सद्भाव के द्वारा हम विकास कर सकते हैं, और उसके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, पूरा सद्भाव है, और गुजरात में सद्भाव का वायुमंडल बना रहे। और इसके लिए वो 3 दिन का अनशन उनके द्वारा जो तप जो होगा, और गुजरात में ऐसा वायुमंडल बनेगा तो और ज्यादा शांति का माहौल बनने के कारण विकास होगा। इसके कारण मोदी जी ने ये अनशन किया है। वहां 3 दिन वो बैठेंगे, वहां गुजरात के सभी डिग्निटरीज, पार्टी वर्कर्स, ऑल इंडिया से भी बहुत सारे लोग आएंगे, और 3 दिन का ऐसा वायुमंडल बनेगा कि अच्छा सद्भाव का वातावरण वहां से शुरू हो, और उसका जो कुछ वायुमंडल बनेगा तो पूरा गुजरात में, और पॉलिटिकल एक नया कंसेप्ट, और पॉलिटिक्स में सिर्फ एक दूसरे पर जो कुछ कहना, कादो उछालना, वो नहीं तरीका है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी कुछ शालीनता के साथ ये सब होना चाहिए, और उसके द्वारा एक राजनीति में भी नया चिल्ला, नया मार्ग ये मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। सर, नेशनल लीडर्स कौन कौन आने की उम्मीद है? वो तो अभी सब चल रहा है, क्योंकि कल ही उन्होंने घोषणा की है, तो इसके बारे में सबके साथ सबको पता चला है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब फाइनलाइज होगा। सर, जीएमडीसी वर्ल्ड फाइनल एग्जीबिशन, एक्चुअली जीएमडीसी वहाँ ग्राउंड पर सब कार्यक्रम कर रहे हैं, बारिश है और सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, इसलिए अभी तय हो जाएगा शाम दोपहर तक, वैसे वहाँ कार्यक्रम होगा। वो वैसे जो एरिस्टोक्रेट के रिप्रेजेंटेटिव है, कभी एसी के बाहर नहीं रहा, उसका स्पेक देखिए, उसकी रिस्ट वॉच देखिए, उसका शूज देखिए, डिजाइनर वेयर देखिए उसका, सभी तो वही तो वहाँ ही करेंगे और कहाँ। ये थोड़ा यहाँ जंगल में जाकर करेंगे अनशन, या बाहर खुले में करेंगे, कभी नहीं होगा। वो तो वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रतिनिधि हैं, तो एसी के सिवा कहाँ उसको ठीक नहीं रहता। सर, एक बात ये भी आ रही है कि मोदी जिस तरीके से अन्ना ने उपवास किए थे, अनशन किए थे, तो कल हर किसी का यही कहना था कि अन्ना की राह पर चल रहे हैं मोदी। मुझे बड़ी हंसी आती है, कोई काली टोपी उतार के उस पर सफेद टोपी लगा दे, उससे उसका दिल थोड़ा बदल जाता है, उसकी सोच थोड़ी बदलता है।